अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त था व्लॉग। कितने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल जनाब। एक मेरा वो शापन हो गया। ये क्या हो रहा है। हम तो भाईजान चले हैं जी, जा रहे हैं, रहने नहीं दे रहे। नहीं नहीं रहने तो देते हैं, वैसे जा रहे हैं अपनी शादी के लिए। शादी का तो पता ही नहीं है, कुछ शादी वगैरह नहीं, कोई नहीं पता। मुझे तो पता है ना, सच बोला है मैंने, लाइट भी आ गई। सच बोला लाइट। ये है जी लंबर दर। लंबर दर क्या कर रहा है। वैसे वैसे क्यों। हाँ जी, ये क्या हो रहा है सारा। अब ये असलम खान खड़े हैं, क्या हो रहा है। ये जा रहे हैं कहाँ। ये जी बहुत दूर जा रहे हैं, अलीपुर। आज। हाँ अभी जा रहे हैं, ये मेरी फैमिली सारी जा रही है और ये फैमिली भी सारी जा रही है। सही, अभी पैकिंग हो रही है। अभी पैकिंग हो रही है, हमारी तो हो गई है लेकिन इनकी हो रही है अभी। गाड़ी आई है। गाड़ी आ जाती है। ये बैग तो एक मेरा है क्या। नहीं आपके पास नहीं, अगर खाली हो तो ले ले। नहीं इनसे ले लें, आप इनसे मांगो। नहीं इनसे ले लें, हमने फिर पैक कर किस चीज में करके आएंगे। आप कहाँ जाएंगे। हमने भी तो वहीं जाना है साहब। मोहिउद्दीन की वाइफ ने बताया है, अहमद भाई ने बताया है, अहमद भाई वाले नहीं जा रहे, अम्मी अबू नहीं जा रहे, मोहिउद्दीन वाले नहीं जा रहे, उन्होंने बताया अकरम भाई वाले भी नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं, आपको किसने कहा है भी नहीं जा रहे। बोल तो रहा हूँ हम जाएंगे। सब मोहिउद्दीन की वाइफ ने बताया है। वो तो नहीं जा रहे है ना, उनका अपना मर्जी, हमारा अपना मर्जी है। बलोच का अपनी मर्जी है। क्यों भाई, हर किसी की अपनी मर्जी है, कोई जाए ना जाए, हम कह रहे हैं अभी जाएंगे। कोई किसी को साथ जबरदस्ती लेके जा नहीं सकता। हाँ कोई जो है किसी को रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता, आपकी अपनी मर्जी है, जो जाए जाए, जो नहीं जाता ना जाए। तो एक अहम बात आपको बताऊं, आज हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शादी को अभी बहुत देर है। हाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अजहर साहब को मैंने फोन किया कि हमें गाड़ी चाहिए, फैमिली बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हम बसों पर कैसे पार होंगे, गर्मी आप देखें कितनी है और बच्चे देखें कितने छोटे छोटे हैं। सही, तो उसने कहा कि ईद की छुट्टियां चल रही हैं, आज गाड़ी ले ली है, फिर बाद में वो बिजी हो जाएगी, सेल पे चली जाती है ना। सही, तो आज ही आप लिहाजा चलें तो छोड़ के आते हैं। मैंने कहा चलो तैयारी बांधो, आज ही चलते हैं, एक दो दिन का फर्क पड़ता है, कल जाना था आज चले जाते हैं। वहाँ पे काम करना है, काम तो होगा क्योंकि शादी वाला काम है भाई। वाला घर है तो हमारी सिस्टर ने जो है इसको बुलाया है पहले, इसी टाइम ईद के बाद ही आ जाना, काम जो है वो आपने ही कहा के करना है। सही, हाँ कुछ चीज लेनी पड़ती है, बाजार जाना, इधर जाना, उधर जाना, सारा काम शादी का काम तो बहुत होता है, तो हम जो है वहाँ जाके फिर शॉपिंग करेंगे, फिर जनाब सामान लेंगे और शादी के लिए बहुत सारे फंक्शन करेंगे। वाह जी वाह। सही हो गया जी, सही हो गया। हाँ तो जी आया था इधर जो है असगर भाई वालों के घर, सुना है उनकी तैयारी हो रही है, वो जा रहे हैं अलीपुर की तरफ, उधर जो अपनी भांजी की शादी पे, तो तकरीबन हफ्ता जो है लेट है शादी, जाएंगे उधर सामान शमान वगैरह जो शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी करेंगे, तो कैरी जो है उन्होंने की हुई है, अभी सुना है कि उनकी तैयारी बन रही है, वो जा रहे हैं। तो आया था मैंने, सोचा दुआ सलाम कर लेते हैं, तो फिर आगे का भी लोग जैसे भी वो तैयार होते हैं जाते हैं,
दिखाएंगे आपको। हाँ तो जी, जैसे आपने सुबह वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो भांजी का जो भाई था, मेरा भांजा, उसने सुबह कॉल की थी कि सबको जो है कार्ड दे देने हैं। तो वो भांजी की तरफ से जो है कार्ड आया था हमें फोन पे कि आपने शादी पे आना है। तो अभी जो वो जो है दूल्हे वाले वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो है हमें कार्ड दिया है। ये देखें, अभी देख गए मोहम्मद सुहेल, ये जो दूल्हे का नाम है। और ये 21 जुलाई को 12 जुमारात शादी है। तो फिर जो है हमने जाना है शादी पे। वो अभी अभी कार्ड दे के गए हैं, उनकी मैं वीडियो नहीं बना सका, खाना शाना खिलाया और वो जो है घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो हम भी जाएंगे शादी पे इंशाल्लाह ताला। असगर भाई वालों से बातचीत जैसे आपने सुनी होगी, वो अभी तैयारी करके जा रहे हैं। तो हम जाएंगे शादी से 1-2 दिन पहले, तो फिर आपको शादी का माहौल भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है बाकी का भी लोग जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं, सुना है अजहर भाई की वो जो कह रही है वो आई हुई है। चलते हैं उधर देखते हैं जो असलम भाई को छोड़ने जा रही है। कहें जी ये कह रही अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। क्या है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? करम है मालिक का। पहुंच गए? हाँ जी, हाँ जी पहुंच गए। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए फिर मैंने ड्राइवर को बुलाया। मैंने कहा यार इसको ले गया, गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी हवा चली हुई जी। उस्ताद जी देखे जी, अजहर भाई जो है गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो असलम भाई को कह रहे हैं कि छेती जो है ना चलें, क्योंकि मौसम जो है इधर से काफी खराब हो रहा है। ये देखें ये बदल है, ये देखें। अभी जो है गाड़ी स्टार्ट कर रहा है अजहर भाई। आप ना कटाई करके हारा लगाओगे फिर आएंगे। गाड़ी की कटाई हो रही है जी। आने दो। आगे जाने दो फिर। ये देखे असलम भाई अभी भी आम जो है छापर में लेके आ रहे हैं। अजहर भाई को देंगे ना रास्ते में, रास्ते में अजहर भाई को। और देखे असगर भाई भी आ रहे हैं बैग उठा के। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको खैर खरिया से ले जाए। बैग ले आऊं। मौसम भी जो है काफी खराब हो चुका है भाई साहब, छेती कराओ। मौसम इधर से आ रहा है, हम इधर जाएंगे। वो छेती करो ना फिर अपने में से। आपके पीछे पीछे बारिश आएगी। अभी जी आ रहा है लंबरदार बैग उठाए हुए, और मौसम आप खुद देख लें। अभी जो है गर्मी बहुत है, चलो बारिश आ रही है, आप तो मजे करेंगे ना बारिश में। मजे क्या करेंगे यार, इधर पानी पानी हो जाता है। ये नहीं, ये अहमद भाई भी जा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, सब जा रहे हैं। आप जा रहे हैं वापस? वापस आएंगे? हाँ जी, तो वापस आएंगे ना अजहर भाई और ये दोनों। अच्छा अच्छा, अजहर भाई के साथ वापस आना है, सही हो गया। छत्तीस असलम भाई ले आए हैं ये वाला बैग, माशाल्लाह जबरदस्त बैग है, ये चलता है अपने टांगों पे। इसको चलाना पड़ता है। देखें जी ये सामने खड़ा है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान से नारा सुनते हैं, पाकिस्तान पाक फौज सब बहन भाई इब्राहिम खान। ये जी अब्बास भाई, अब्बास भाई की मुकम्मल फैमिली जो हमारी सिस्टर वगैरह हैं वो भी आई हुई थी हमारे यहाँ ईद मिलने के लिए। तो अभी ये भी तैयारी करके जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ऐसे मौसम भी बन चुका है ना, मौसम खराब। हम तो कहते हैं रात इधर रह जाएं। फंस जाएंगे फिर, पता नहीं है सारी रात चलती रहेगी। फिर इधर क्या कमरे हैं? कमरे तो हैं लेकिन घर में काम काज होता है हमारा भी। आपकी मर्जी है, हम तो कहते हैं रात इधर रहें, सुकून से खाना खाएंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। वो क्या कहते हैं, बट कड़क लगाएंगे। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये हवा भी चल चुकी है ये देखें, और बादल जो है मेरे सर के ऊपर आ चुके हैं। हवा माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल चुकी है, अल्लाह का जो है लाख लाख शुक्र है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी जो है हवा आ चुकी है और बारिश आने के फुल चांस बन चुके हैं। उम्मीद है कि बारिश आ सकती है। ये सब जो है बैठ चुके हैं, और असगर भाई और असलम भाई वो भी बैठ रहे हैं। ये देखें ये देखें जी, अभी बैठ रहे हैं सब, देखते हैं अल्लाह के फजल करम से। बाय बाय, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए भाई। ओके ओके ओके, माशाल्लाह जी माशाल्लाह।